हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाया हुआ, उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। तो ये इस तरीके के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे ओपन। पर इसमें एक पेपर है और इसमें अटैच किया हुआ है एक ड्रेस का, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेस की। तो मैंने यहाँ पर मंगवाया हुआ है एक सेवी स्टिच गाउन मंगवाया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके के ग्रीन कलर में है। तो ये बॉटल ग्रीन कलर नहीं है, इमेज में यहाँ पर लगा दूंगी। तो इमेज में ये बहुत ही ज्यादा डार्क कलर बॉटल ग्रीन कलर का था, बट यहाँ पर ये मुझे इस तरीके का ये कुछ पैरेट ग्रीन टाइप कलर है, बट उससे डार्क है, अच्छा है कलर। बट इमेज में मुझे ये वाला कलर दिखाई दे रहा था, इमेज में ये वाला दिखाई देता है बॉटल ग्रीन कलर। तो ये कुछ इस तरीके का सेमी स्टिच गाउन है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का गाउन है, ये इसका नेक है। यहाँ पर इसमें ये कॉलर दिए हुए हैं, यहाँ पर ये कॉलर है और ये कट स्लीव्स का गाउन है, इसमें स्लीव्स नहीं है। और फिर एक बार हम इसमें अंदर चेक कर लेंगे कि इसमें स्लीव्स है या नहीं है। तो ये इसमें स्लीव्स नहीं है, ये कट स्लीव्स का है। तो मैं आपको सबसे पहले उल्टा करके दिखाऊंगी इसको। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसमें साटन दिया हुआ है अंदर। और आप इसकी साटन की क्वालिटी एक बार देख लें, तो क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये खराब है। तो इसकी क्वालिटी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और मैं इसको देख रही हूँ जैसा ये कैमरे में, जैसा ये है एग्जैक्ट ऐसा ही कैमरे में शो हो रहा है आपको। तो ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है, ये अच्छा है। इसका जो साटन सिल्क लगा हुआ है अंदर और इसमें स्लीव्स नहीं है, तो ये उल्टा इस तरीके का है। और मैं इसको आपको दिखाऊंगी, ये सेमी स्टिच है। तो इसमें अंदर की तरफ यहाँ पर आपको स्टिच कराना पड़ेगा साइड से अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। और मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि अंदर की साइड आप देख सकते हैं कितना मार्जिन है यहाँ पर, इसको स्टिच किया हुआ है और इसमें यहाँ पर दो दो इंच का मार्जिन दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर इसमें वेलवेट लगा हुआ है, ये इसका फ्रंट है। तो ये फ्रंट से कुछ ऐसा है, फ्रंट से ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर वेलवेट लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं ये वेलवेट है। और बैक साइड से भी इसमें यहाँ पर वेलवेट लगा हुआ है, हाफ चोली में इसमें वेलवेट लगा हुआ है। यहाँ पर इसमें गोल्डन कलर के तीन लाइनें गोटे की लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पतले वाला गोटा लगा हुआ है इसमें और ये दोनों ही साइड लगा हुआ है, बैक साइड में भी और यहाँ पर फ्रंट में भी ये लगा हुआ है। तो ये है हो गई हमारी ऊपर की चोली, नेक इसका कॉलर वाला है ये, और वी यहाँ पर कट दिया हुआ है फ्रंट पे। तो ये कुछ इस तरीके का आपको बनवाने के बाद शो होगा। और इसका जो घेर है मैं आपको दिखाऊं, काफी ज्यादा फ्लेयर है इसकी, काफी ज्यादा फ्लेयर है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगी कि आप इसकी फ्लेयर कितनी ज्यादा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे कि इसकी फ्लेयर बहुत ही ज्यादा है, बहुत अच्छा घेरा है इसका। तो आप देख सकते हैं खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर आके, इतना ज्यादा घेर है इसका। तो ये कुछ इस तरीके का है, लेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी। तो मेरी लेंथ 5 फीट है, तो मुझे ये हील पर पहनूं तो बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से गाउन होता है हल्का फ्लोर टच होता है, तो मेरे को इस तरीके का आ रहा है।
अगर आपकी लेंथ 5 इंच से भी थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से आएगा साइज इसका। और इसकी कपड़े की बात करूं तो ये जॉर्जेट का कपड़ा है इसका। अंदर की साइड इसमें साटन लगा हुआ है और बाहर की साइड इसमें जॉर्जेट का कपड़ा है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट वाली जॉर्जेट है, अच्छी क्वालिटी की जॉर्जेट लगी हुई है इसमें। एक जॉर्जेट आती है जो खड़ी खड़ी होती है और वो चुभती है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली जॉर्जेट लगी हुई है इसमें, तो आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर नीचे जो घेर है वहां पर इस तरीके का पिको हुआ है, तो पिक। और इसका जो फ्लेयर है वो दोनों साइड से, जो साइड में दोनों साइड आएगा तो इसका इस तरीके का यहाँ पर है, थोड़ा सा तिरछा दिया हुआ है तो कुछ इस तरीके से पड़ा रहेगा। दोनों साइड कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लटकता है और वैसे ये बिल्कुल जिस तरीके से गाउन होते हैं बहुत ज्यादा फ्लेयर वाले, ये ऐसा है, आप देख सकते हैं इसको। और आपको साइड से पता चल रहा होगा कि ये दोनों साइडों से इस तरीके से थोड़ा ज्यादा कपड़ा लटका हुआ है इसमें, तो इसका डिजाइन इसी तरीके का है। तो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्राइस वाइज अगर इसको हम देखें तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो अगर आप इसको किसी भी छोटे छोटे फंक्शन के लिए या फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, जैसे कि फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं तो इसमें अगर आप इसको पहनना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। आप इस तरीके से भी इसको पहन सकते हैं और आप इसको गोल्डन दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला। और स्लीव्स लेस है, इसमें स्लीव्स नहीं दी हुई हैं, तो ये सेम स्टिच है, आपको स्टिच कराना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। इसकी इमेज में यहाँ पर लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं, आपको देखने से पता चलेगा। और इसमें साइड में भी यहाँ पर साइड से भी ये स्टिच नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें को स्टिच कराना पड़ेगा। तो इसमें मार्जिन दिया हुआ है, दोनों साइड दो दो इंच का मार्जिन दिया हुआ है, तो मुझे हल्का सा टाइट है इस चोली की साइड से, मुझे ये हल्का सा टाइट है। अगर मैं इसको अपने अकॉर्डिंग स्टिच कराती हूँ और जो इसमें दो दो इंच का मार्जिन है तो उसको मार्जिन को कवर करते हुए तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बट अगर मुझसे भी ज़्यादा कोई हेल्दी है तो उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, सिर्फ दो दो इंच का मार्जिन दिया हुआ है जो मैंने आपको वीडियो में अभी दिखाया है। तो मुझे ये इस टाइम अगर मैं इसको डालकर देखती हूँ, तो मैंने इसको डालकर देखा है तो ये मुझे थोड़ा टाइट है, दो दो इंच का मार्जिन अगर मैं इसमें कवर करती हूँ स्टिच कराती हूँ तो ये मुझे परफेक्ट आएगा। तो चोली की साइड से मुझे हल्का सा टाइट है इस टाइम ये, तो अगर मुझसे भी ज़्यादा आप मोटे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम जो भी कोई ड्रेस वगैरह लेते हैं उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन होना चाहिए, तो इसमें इतना मार्जिन नहीं दिया हुआ है और रेडीमेड कपड़ों में वैसे भी इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं आता है। तो आप अपने अगर मुझसे ज़्यादा थोड़े से हेल्दी हैं तो 1 इंच साइज बढ़ा लें, वैसे ये सेम स्टिच में फ्री साइज आते हैं, तो आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी। अगर आप कम पैसे में कम बजट में अपने कुछ अच्छी चीज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जॉर्जेट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो फर्स्ट ये वाला गाउन मैंने मंगवाया है, बट मैंने यहाँ पर आज ये कि ये गाउन मंगवाया है, और मैंने जो सेकंड में आपको दिखाने वाली हूँ वो मैंने इससे पहले मंगवाया था, उसको मैं स्टिच करा चुकी हूँ। तो और इसके साथ यहाँ पर एक पैच दिया हुआ है, जैसा कि आप इमेज में देखेंगे, इमेज में देखकर आपको पता चलेगा। तो इसको पैच को आप अटैच करा सकते हैं यहाँ पर, तो ये अलग से दिया हुआ है क्योंकि ये सेम स्टिच है, तो इसको आप जहाँ पर भी चाहें आप इसको अटैच करा सकते हैं। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट गाउन, इसके प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है प्राइस के अकॉर्डिंग, और इसके जॉर्जेट आप देख सकते हैं जैसे ही ये कैमरे में है और वैसे ही आपको शो हो रही है, टच करने से आपको पता चल रहा होगा कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। और कलर भी इसका जो कैमरे में है सेम वही वाला कलर है, बट जो मैंने अमेज़ॉन पे देखा था वो बॉटल ग्रीन कलर दिखा रहा है, तो मैं दोनों की इमेज यहाँ पर लगा दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी है तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। प्राइस मैं स्क्रीन पे कर दूंगी और आप इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो मैं आपको सेकंड दिखाऊंगी जो मैं स्टिच करा चुकी हूँ, जो मैंने पहले बाय किया था। तो ये है कुछ इस तरीके का गाउन,
इसको मैंने स्टिच करा लिया है, ये भी सेमी स्टिच था। तो इसका कलर मैं बताऊं तो आपको, इसका कलर मेहरून है। तो ये काफ़ी हैवी गाउन है और इसमें स्लीव्स भी थी। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी चोली दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा हैवी है ये, पूरा इसमें वर्क किया हुआ है। राउंड इसका नेक है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी स्लीव्स हैं, पूरी हैवी वर्क की हैं, जैसे कि फ्रंट में इसमें वर्क दिया हुआ है, जैसी इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है ऐसी बैक में नहीं है। स्लीव्स में दोनों ही साइड इसमें फ्रंट और बैक में वर्क हुआ हुआ है। तो काफ़ी हैवी है और क्वालिटी की इसकी बात करें तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी क्वालिटी। आप देखेंगे तो ये प्लेन बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो ये पूरा हैवी गाउन है, आप देख सकते हैं। पूरा हैवी इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, आप देख सकते हैं नीचे तक। और इसका फ्लेयर भी काफी फ्लेयर है, बट ग्रीन वाले के अकॉर्डिंग इसका फ्लेयर कम है। आप देख सकते हैं इसका फ्लेयर इतना है, जैसे कि स्ट्रेट हमारे लहंगे होते हैं वो नीचे ऊपर से टाइट और नीचे से जाकर फ्लेयर हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका घेर दिया हुआ है, देख सकते हैं ये इसका घेर है। पूरा हैवी है ये, तो फ्रंट से इसमें पूरा हैवी है ये, और बैक से ये बिल्कुल प्लेन है। और आप इसकी लेंथ देखेंगे तो इसकी लेंथ मेरी 5 फीट है, बट मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग स्टिच कराया है, तो मैंने इसकी काफ़ी लेंथ को कम किया है। तो मैंने इसको लेंथ को कहाँ से कम किया है, हम इसे नीचे से तो कट नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी वर्क है। अगर हम इसको कट कराएंगे तो इसकी जितनी भी शो है सारी खराब हो जाएगी। तो मैंने इसको इस चंगल से कट करा के अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कराया है। तो मैंने इसको यहाँ से कट कराया है, इसीलिए ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ऊपर आ चुका है, वरना ये डिज़ाइन नीचे आता है थोड़ा। तो मैंने इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट करा के स्टिच कराया। क्वालिटी इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ये मैंने इसीलिए दिखाया वीडियो में कि आप स्टिच करने के बाद भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर है और पूरा हैवी है। तो आप इसे किसी पार्टी में, मैरिज में भी पहन सकते हैं, और आप इसे जैसे फेस्टिवल शुरू हो गए हैं तो आप इसको स्टिच कराकर भी पहन सकते हैं। आप इसके साथ दुपट्टा भी ले सकते हैं कोई, आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया कलर, इसके और भी कलर है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको पसंद आए उसको चूज कर सकते हैं। ये मुझे ये वाला शेड पसंद आया था तो मैंने इसको स्टिच कराया। तो इसमें कोई कैन कैन वगैरह नहीं लगी हुई है, इसमें सिर्फ यहाँ पर इस तरीके का इसको मैंने लाइनिंग लगवाकर स्टिच कराया है। तो सेकंड गाउन ये था, इसके प्राइस भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। क्वालिटी आप देख सकते हैं अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली आप इनको बाय कर सकते हैं। तो दोनों ही गाउन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो आप दोनों में से जो बाय करना चाहते हैं तो आप इनको बाय कर सकते हैं। तो ये छोटी सी शॉपिंग थी मेरी अमेजोन से, जिसको मैंने बाय किया है। एक को मैंने कल ही मुझे रिसीव हुआ है, एक को मैंने कुछ टाइम पहले मंगवाया था, तो मैंने इसको स्टिच कराकर आपके साथ शेयर किया है। आई वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।